हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं एज ए स्टूडेंट और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की, तो आप 101% आप जुडिशरी ज़रूर क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझे अन अकेडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अन अकेडमी का, मेरी आईडी का, और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे कुशांग 10KUSHANK10, तो आपको आपकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी वहाँ पे मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस भी होती है जो पेड नहीं होती, जो आप मेरे कोड को यूज़ करके देख सकते हो, कुशांग 10 को ही यूज़ करके आप देख सकते हो। उसके लिए आपके ऊपर कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। तो आप अन अकेडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो और जाके ज़रूर देखना, मेरी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया, मेरी आईडी का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्या कि एक क्या चीज़ हमें करनी है जिससे कि हम जुडिशरी क्रैक ज़रूर कर पाएँ। देखो, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत हेल्पफुल है। कहने के लिए ये सिर्फ वर्ड्स हैं लेकिन अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप जुडिशरी तो क्या कुछ और भी अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो कर पाओगे। तो देखो क्या चीज़ है, आपको क्या करनी है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे डिसिप्लिन, उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये तीन वर्ड है, ये तीन वर्ड है। ये कहने में सिर्फ आपको वर्ड लग रहे हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, लेकिन अगर आपने ये अपनी लाइफ में ले आए तो आप जुडिशी तो क्या जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। क्यों? डिसिप्लिन देखिए, डिसिप्लिन जब आप में रहेंगे तो आप हर एक चीज को रूटीन के अंदर करेंगे, एक शेड्यूल में करेंगे। अगर आज का आपका दिन है तो आपने जो शेड्यूल बनाया है उसके अंदर रह के आप पढ़ाई करोगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी किसी भी दिन को आप मिस नहीं करोगे, चाहे किसी दिन पढ़ाई थोड़ी हो लेकिन आप करोगे ज़रूर, आप टच से नहीं छूटोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, इससे आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और तीसरी चीज़ आती है पेशेंस। पेशेंस रखना है, नहीं हुआ एक बारी में तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, टाइम लगेगा, हो सकता है हमारी एज थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज डजेंट मैटर। जब आपने क्लियर किया वही सही एज है। तो आपको कोई भी बोले कि ये एज अब आप ज़्यादा हो गई, आप ये करो वो करो, एज से मैटर नहीं करता। तो आपको ये तीन चीज़ें अपनी लाइफ में रखनी है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि हम कितनी देर पढ़ाई करें, जब हम पढ़ाई करें जुडिशरी की तो कितनी देर पढ़ाई करें। तो देखो, इसका कोई सेट आंसर नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप इतनी देर पढ़ लो तो आपकी जुडिशरी निकल जाएगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। हर एक बच्चे के लिए मैटर अलग होता है, ये पॉइंट अलग होता है, लेकिन एक बेस्ट तरीका होता है जिससे कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। कैसे? याद रखना रूल 25 10 25 10। अब यहाँ पे ये 25 10 25 10 क्या, ये बहुत बारी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। ये क्या होता है, आपको 25 मिनट्स एक बारी पढ़ना है जो भी आप टॉपिक लेके बैठे हैं। ठीक है, जितना वो हुआ 25 मिनट्स में, ठीक है 25 30 भी कर सकते हो आप, 30 10 30 10 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपके अंदर सिटिंग कैपेसिटी है। आप 25 मिनट्स बैठे, 25 मिनट्स 30 मिनट्स आपने एक टॉपिक किया, उसके बाद आपने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। इस 10 मिनट्स के अंदर आपने जो इस 25 मिनट्स में पढ़ा है उसको माइंड में रिवाइज किया, बुक खोल के नहीं रिवाइज किया, आप अपने जहाँ पे भी बैठे हैं पढ़ने के लिए वहाँ से उठ गए और माइंड में रिवाइज किया फॉर दिस 10 मिनट्स। उसके बाद आप फिर से बैठे क्योंकि अब आपका माइंड ही फ्रेश हो गया क्योंकि आप इधर उधर घूम लिए। अब आप 10 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक मत लेना। उसके बाद 25 मिनट्स या 30 मिनट्स दोबारा से बैठे और उस टॉपिक को पूरा किया या अगला टॉपिक किया जो जैसे भी आपका हो रहा था, और फिर से आप 25 मिनट बाद उठे और 10 मिनट का ब्रेक लिया। अब यहाँ 10 मिनट में आपने पहले जो यहाँ याद किया था उसको रिवाइज करना है माइंड में, और फिर जो यहाँ याद किया था उसको रिवाइज करना है। तो ये मेथड अगर आप फॉलो करोगे पूरे दिन तो आप बहुत ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे, और इसी मेथड से आप 24 आवर्स की स्टडी कर सकते हो। कैसे? 24 आवर्स इसको फॉलो नहीं करना, 24 आवर्स इस तरीके से होता है कि आपको 24 आवर्स स्टडी के माइंड सेट में रहना है, एग्जाम माइंड सेट में रहना है। मतलब कि आपको जब आपकी आपका जितनी देर पढ़ना था उतना देर पढ़ लिया, उसके बाद आपने कुछ और चीजें नहीं सोचनी, आपने जो पढ़ा है उसको सोचना है।
तो जब आप इसको करोगे तो आप इवन 24 आवर्स भी अपने माइंड को इसके अंदर रख सकते हो पढ़ाई में। तो जो लोग बोलते हैं कि 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप बोलोगे कि भाई मैं 24 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो ये तरीका है 24 घंटे पढ़ने का। 24 घंटे बैठ के या 8 घंटे भी कोई बैठ के नहीं पढ़ सकता, और वो पढ़ेगा तो उसकी आउटपुट नहीं आएगी, जो माइंड की एफिशिएंसी है वो गिर जाएगी 1 घंटे बाद। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप पढ़ सकते हो, और जब जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में रहो। जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में रहो, जब जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में रहो, मोमेंट में रहो अपने। तो आप जो है जुडिशरी और इवन जो भी एग्ज़ाम या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ज़रूर ज़रूर कर पाओगे, और इसको फॉलो करो। इसके साथ ये इसी चीज़ के लिए है, डिसिप्लिन रहेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी रेगुलर पढ़ पाओगे, और पेशेंस कि ठीक है मेरा हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और आप अगर इस मेथड को याद रखते हो तो आई एम 101% श्योर कि आप अपनी जुडिशी ज़रूर क्लियर कर पाओगे। आप मुझे अनकेडमी पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, कुशांक एम मेरी आईडी है, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।